वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने किसानों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021 से 22 में किसानों की रवि और खरीफ फसल को संरक्षण करते हुए किसानों के खातों में 2,37,000 करोड़ रुपए की MSP ट्रांसफर की जाएगी। किसानों को और क्या क्या सौगातें मिली है जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बजट में किसानों के लिए काबा, पीएम मोदी ने कहा सबबा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में किसानों के फसल के संरक्षण के लिए किसानों के खातों में 2,37,000 करोड़ रुपए की MSP ट्रांसफर की जाएगी। आने वाले दिनों में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कॉरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑयल सीड का आयात घटाने के लिए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की खेती के असेसमेंट के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। इसके जरिए न्यूट्रिएंट और कीटनाशक के छिड़काव को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को रिवाइव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, ये बात बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। MSP खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बजट के मुताबिक अब किसानों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, यानी कि डिजिटल कृषि पर फोकस होगा। इसके लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP पर काम करेगी। किसानों को फल और सब्जियों की सही वैरायटी इस्तेमाल करने के लिए सरकार कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज देगी, इसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी होगी। दावा किया जा रहा है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से किसानों की जिंदगी आसान होगी, उन्हें फसल बेचना उनका पैसा लेना आसान हो जाएगा, योजनाओं की पहुंच आसानी से हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उधर मंगलवार